CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 4 की ध्वनि शाला में। रिमझिम कक्षा 4 पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी उषा दीदी और आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। कहानी सुनना पसंद करेंगे? यह कहानी है अकबर और बीरबल के बारे में। आप सभी ने अकबर बीरबल के बहुत सारे किस्से सुने होंगे। मैंने भी बहुत सारे किस्से सुने हैं। तो बस यह कहानी इसी अकबर और बीरबल की है। क्या आप जानते हैं इस कहानी का नाम क्या है? सोचिए। शाबाश, इस कहानी का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। आप भी तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं ना, और फिर आपको जवाब भी मिल जाते हैं। लेकिन ये कहानी कुछ और सवालों और कुछ और जवाबों की है। इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि जिसने जैसा सवाल पूछा उसे वैसा जवाब मिला। तो प्यारे बच्चों, आज हम ये कहानी सुनते हैं। सारे बच्चे तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? तो रेडियो का वॉल्यूम सेट कीजिए और डूब जाइए उस कहानी में। तो आइए सुनते हैं कहानी जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। और सिर झुका कर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें।
उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे तीन प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। क्या जवाब? अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं से कोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया कहानी सुनकर? मुझे तो बहुत मजा आया। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी दोहरा लेते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री
बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से बहुत जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। पता है बच्चों, एक दिन क्या हुआ? एक दिन अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान हो गया था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से कुछ होता नहीं है ना। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? तो बच्चों, एक दिन बहुत गजब की बात हुई। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। कुछ ऐसे ही तिकड़म लगाई ख्वाजा साहब ने। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। फिर जानते हैं अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ऐसा कहा ख्वाजा साहब ने अकबर से। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो बीरबल बोले, जहांपनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा को लगा कि दाल में कुछ काला है। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? बिल्कुल ठीक। ख्वाजा साहब के पास कितने सवाल थे? 3 सवाल। और अभी अकबर ने कौन सा सवाल पूछा था? पहला सवाल। शाबाश, इसका मतलब है कि आप सारे बच्चे बहुत ध्यान से कहानी को सुन रहे हैं। तो अकबर ने अपना दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? पता है बीरबल ने क्या जवाब दिया? बीरबल तो बहुत चतुर व्यक्ति था, तो बीरबल ने एक भेड़ मंगा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। ये मजेदार जवाब दिया बीरबल ने अकबर को। अब अकबर ने अपना तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, सोचिए बीरबल ने क्या जवाब दिया होगा, क्या आप सोच पाएंगे? अच्छा बच्चों, ये बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि इस संसार की आबादी कितनी है तो आप तो तुरंत गूगल पे जाएंगे और कट 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 कुछ टाइप करेंगे और आपको संसार की आबादी पता चल जाएगी। लेकिन यह जमाना अकबर बीरबल का जमाना है, उस जमाने में गूगल नहीं हुआ करता था। पता है बीरबल ने क्या कहा? तो सुनते हैं बीरबल का जवाब। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब
नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तो पता है बीरबल ने क्या जवाब दिया? बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया कहानी सुनकर? मुझे तो बहुत मजा आया। और मुझे मालूम है कि बच्चों को तीनों सवालों के तीनों जवाब सुनकर और भी ज्यादा मजा आया होगा। कभी हमारे दिमाग में ऐसे सवाल आए ही नहीं, लेकिन हाँ, मुझे मालूम है कि बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल उथल पुथल मचाते रहते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये हो सकता है कि भाई ये स्कूल किसने बनाया है, और दूसरा सवाल ये होगा कि भाई ये किताबें कौन बनाता है, तीसरा सवाल ये होगा कि ये गीत कौन बनाता है, और चौथा सवाल ये हो सकता है कि ये परीक्षा किसने बनाई है। तो आप ये सारे सवाल अपने बड़ों से पूछ सकते हैं और जानने की कोशिश कीजिए इनके जवाब क्या हैं। लेकिन बच्चों, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई तर्क होता है। उन सवालों के सही सही जवाब तो हमें जान लेने चाहिए। जैसे आप सोचते होंगे कि जब सूरज उगता है, यानी कि जब दिन होता है, तो चांद कहाँ चला जाता है, और जब चांद रात को आसमान में नजर आता है तो सूरज कहाँ चला जाता है। दरअसल बच्चों, ये कहीं आते जाते नहीं है, ये तो वहीं रहते हैं। बस जब दिन की बहुत रोशनी होती है तो चांद नजर नहीं आता, और जब चांद का अंधेरा होता है या पृथ्वी घूम जाती है, जब हमें चांद दिखाई देता है और सूरज हमारी पृथ्वी से ओझल हो जाता है, तो रात हो जाती है, तो हमें सूरज नजर नहीं आता। लेकिन दरअसल कोई कहीं आता जाता नहीं है, सब वहीं के वहीं रहते हैं। आपके मन में ये सवाल भी तो बहुत बार आता होगा कि हम तो हवाई जहाज में बैठने के लिए न जाने कितनी मेहनत करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, ये पक्षी बिना विमान के आसमान में कैसे उड़ लेते हैं? तो ये अपने पंखों की वजह से उड़ लेते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे सवाल भी होते होंगे कि हमें तो ठंड में बहुत ठंड लगती है, तो फिर ऐसा क्यों है कि हमारे पड़ोस में जो बकरी है, जो मुर्गी है, जो कुत्ता है, जो बिल्ली है, इन्हें ठंड नहीं लगती क्या? ये तो ठंड में बाहर ही घूमते रहते हैं, तो ये अपनी ठंड को कैसे रोकते होंगे? तो बच्चों, इन सब के शरीर में एक ऐसी खास संरचना है जिसकी वजह से इन्हें ठंड कम लगती है। लेकिन बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम अपने आसपास जो भी घटते हुए देखते हैं, यानी कि जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में अपने बड़ों से सवाल जरूर पूछिए। सवाल वही पूछ सकता है जिसे चीजों की समझ हो, यानी कि जिसमें जिज्ञासा हो, उत्कंठा हो, या जानने की, समझने की, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एक सवाल और बहुत ही मजेदार है, जानते हैं वो कौन सा सवाल है? ये सवाल मैं अक्सर छुटपन में अपने माता पिता से पूछा करती थी कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम रेलगाड़ी या बस में बैठते हैं तो हम तो आगे जा रहे हैं, लेकिन जब हम खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि सारे पेड़ पौधे, लोग, जानवर वो पीछे जा रहे हैं। तो ये ऐसे कैसे होता है कि हम आगे जा रहे हैं और ये सारी चीजें पीछे जा रही हैं? तो आप ऐसे ही सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो अपने बड़ों से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए और इन सवालों के जवाब जानिए। अकबर, बीरबल और ख्वाजा साहब की कहानी भी यही थी कि जैसे सवाल वैसे जवाब। ख्वाजा साहब ने बीरबल से जो सवाल पूछने चाहे थे, तो बीरबल ने उन सभी सवालों के अपने हिसाब से जवाब दिए। अच्छा बच्चों, अब ये बताइए, अगर ख्वाजा साहब ने आपसे ये तीन सवाल किए होते तो आप इनका क्या जवाब देते? अपने मन से बताइए। और अगर आप ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? सबके मन में ढेर सारे सवाल तो आए होंगे, बस करना क्या है? कुछ नहीं, आप अपनी कॉपी पर वो सवाल लिख लीजिए और पूछिए। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर तुम्हारा बस चले, तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? ये सवाल तो सब बच्चों को पसंद आया होगा।
आखिर हमारी इच्छा की बात हो रही है, तो बताइए कि अगर आपका बस चले तो आप अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहेंगे। मैं बताऊं आपकी एक इच्छा, तो आपकी एक इच्छा तो ये होगी कि हम सिर्फ आधे घंटे के लिए नहीं बल्कि कम से कम 1-2 घंटे के लिए रेडियो कार्यक्रम सुनते रहें। इतनी मजेदार कहानियां, इतनी मजेदार कविताएं और इतनी मजेदार बातचीत जो होती है रेडियो पर, तो हमारा मन तो लगता ही है लेकिन हमें बहुत सारी बातें जानने समझने को भी मिलती हैं। तो बच्चों, आपके मन में ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो आप पूरी करना चाहते हैं, जो बदल देना चाहते हैं? ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका स्कूल हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके घर का सामान हो सकता है, पेड़ पौधे, कुछ भी हो सकता है। पता है मेरे मन में क्या इच्छा जगती है? अगर मेरा बस चलता तो मैं राजस्थान के जो अरावली पर्वत माला है वहां भी बर्फ हो जाती तो कितना मजा आता। तो राजस्थान में गर्मी नहीं होती, वहां भी ठंड का मौसम बना रहता। तो काश ऐसा हो पाता कि राजस्थान के पहाड़ों पर भी बर्फ जमती। तो ये तो मेरे मन की इच्छा है। आप अपनी ही ऐसे मन की इच्छाएं अपनी कॉपी पर लिखिए, बड़ों से साझा कीजिए और जानिए कि ये इच्छाएं पूरी हो पाएंगी या नहीं। तो हम इसी कहानी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तो ये कहानी आप अपने दोस्तों को जरूर सुनाइएगा। कहानी का नाम याद है ना? जैसा सवाल वैसा जवाब। नमस्कार साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वनियांकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।